रवि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। कोरोना वायरस चीन से फैला या नहीं, अब इसकी फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। अमेरिका ने साफ लहजे में कह दिया है कि वो लाखों लोगों की मौत के गुनहगार को उसके अंजाम तक पहुंचा कर रहेगा। और वुहान लैब के अंदर क्या हुआ, कैसे हुआ, अब इसकी तह में जाकर तहकीकात होगी। वायरस की पूरी जन्म कुंडली निकाली जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लैब लीक की डिटेल रिपोर्ट मांग ली है। जांच एजेंसियों को 90 दिन का वक्त दिया गया है और इस खबर से चीन में हड़कंप मच गया है। 90 दिन और कोरोना का रहस्य सुलझ जाएगा। 90 दिन और चीन एक्सपोज हो जाएगा। बस 90 दिन और। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने 90 दिन में कोरोना वायरस की जन्म कुंडली निकालने को कहा है। इसके लिए अमेरिका में कोरोना को लेकर सबसे बड़ी और सबसे तेज जांच शुरू हो गई है। दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर दो थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है कोरोना वायरस चमगादड़ या पेंगोलिन से इंसानों में फैला। इस थ्योरी का समर्थन सबसे ज्यादा चीन करता है। दूसरी थ्योरी है कोरोना वायरस चीन की वायरोलॉजी लैब में तैयार किया गया है। दावा है कि इसकी जानकारी जिनपिंग सरकार को अच्छी तरह से है। जो बाइडन ने बताया कि उनके इंटेलिजेंस टीम के दो मेंबर मानते हैं कि कोरोना संक्रमित जानवर से वायरस इंसान में फैला है, जबकि तीसरा मेंबर मानता है कि वायरस लैब में बनाया गया। सच क्या है, साजिश कितनी गहरी है, कोरोना किसकी सोच है, इसका जवाब 90 दिन में दुनिया के सामने आ जाएगा। कोरोना का सच वुहान की इस वायरोलॉजी लैब में छिपा है। इस लैब में क्या होता था, कैसे चमगादड़ों पर रिसर्च होती थी, क्यों इस लैब की फोटो खींचना, इसका जिक्र करना चीन में मना है। आपको एक एक डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले अमेरिका क्या करने वाला है, कैसे चीन को कोरोना का हिसाब चुकाना पड़ेगा, वो समझिए। कोरोना वायरस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर डायरेक्ट अटैक किया था। उन्होंने कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस नाम तक दे डाला था और चीन को इसकी कीमत चुकाने की चेतावनी दी थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए और चीन को लगा कि कोरोना का मामला आया गया। लेकिन अगर आप बाइडन की टाइमलाइन देखेंगे तो पता चलेगा कि बाइडन प्रशासन पहले दिन से कोरोना को लेकर चीन की घेरेबंदी कर रहा है। राष्ट्रपति बनने के बाद मार्च में बाइडन ने NSA के साथ कोरोना को लेकर मीटिंग की। जांच एजेंसी को कोरोना केस सौंपा गया जिसमें ये पता लगाना था कि कोरोना इंसानों में किसी जानवर या लैब से फैला है। जांच एजेंसियों ने मई में अपनी रिपोर्ट बाइडन को सौंप दी। इस रिपोर्ट में चीन और कोरोना को लेकर कई खुफिया जानकारी सौंपी गई, लेकिन ये क्लियर नहीं बताया गया कोरोना आखिर फैला कहां से। जिसके बाद जो बाइडन ने साफ निर्देश दिया कि उन्हें इस मामले में 90 दिनों में उनकी रिपोर्ट चाहिए। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका की नेशनल लैब एजेंसियों की मदद करेगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन से भी अपील की है कि वो कोरोना के ओरिजिन की जांच करने में दुनिया की मदद करे। हमें ये पता करना है कि कोरोना महामारी की कहां से शुरुआत हुई। इससे महामारी के बारे में बहुत कुछ मालूम पड़ेगा। कुछ दिन पहले ही अमेरिका की वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया था। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के तीन रिसर्चर को नवंबर 2019 में अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। इन तीनों में कोरोना बीमारी के सारे लक्षण मौजूद थे, यानी कोरोना वायरस के पहले मामले की आधिकारिक घोषणा से एक महीना पहले। साफ है कोरोना और वुहान बैट लैब का सीधा संबंध है, जिसको चीन हर संभव तरीके से छिपाने की कोशिश कर रहा है और अब अमेरिका इससे पर्दा उठाने की तैयारी में है। कोरोना वायरस के सच और साजिश को समझना है तो वुहान की वायरोलॉजी लैब को बेहद करीब से देखना होगा, उसकी एक एक एक्टिविटी को नोट करना होगा। चाइनीज भाषा में जो लिखा है उसका मतलब है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। मेन एंट्री से होते हुए जब आप इस बिल्डिंग में दाखिल होंगे तो एक बड़े हॉल में आपको वैज्ञानिकों की टीम नजर आएगी। आंखों पर चश्मा, मुंह पर मास्क, हाथों पर ग्लव्स होंगे। ऐसी जानकारी है वुहान में कोरोना आउटब्रेक के बाद कुछ वक्त के लिए इस बैट लैब को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है। पहले की तरह ही लैब ओपन है और यहाँ पर काम हो रहा है।
वुहान लैब में एक हाई सिक्योरिटी लैब रूम भी है, जहां पर वैज्ञानिक बिना फुल बॉडी स्पेशल सूट के एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। जिस तरह का प्रिकॉशन लिया जा रहा है उससे साफ है कि ये बेहद रिस्की एरिया है। यहाँ पर कोरोना जैसे खतरनाक वायरस पर एक्सपेरिमेंट होता होगा। वुहान लैब में 37 वैज्ञानिक ग्रुप अलग अलग रिसर्च करते हैं। 5 बड़े रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें एनालिसिस टेस्टिंग सेंटर, जानवरों पर एक्सपेरिमेंटल सेंटर, आइसोटोप रूम, इंसानी बीमारियों के लिए स्पेशल BSL-2 लैब है। सीधे शब्दों में कहें तो दुनिया की सबसे एडवांस लैब में से एक। इससे पहले WHO की 10 सदस्यीय टीम भी इसी साल की शुरुआत में कोरोना जांच करने वुहान गई थी। एक साल तक चीन ने किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन बाद में उसको इंटरनेशनल दबाव के आगे झुकना ही पड़ा। हालांकि चीन की निगरानी में हुई इस जांच में कुछ खास नहीं मिला, मगर अमेरिका को यकीन है कोरोना इसी लैब से फैला है। ये जानबूझकर हुआ है या कोई हादसा हुआ, इस एंगल से भी अमेरिकी एजेंसी जांच कर रही है। इसकी बड़ी वजह वो बातचीत, वो डेटा एक्सचेंज है जो अमेरिका और वुहान के बीच हुआ था। 3 साल पहले यानी साल 2018 में वुहान में मौजूद अमेरिका के 2 डिप्लोमेट और वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के कुछ सीनियर अफसरों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत वुहान की एक लैब में वायरस को लेकर चल रहे रिसर्च को लेकर थी। इस बातचीत में रिसर्च की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए और वायरस के फैलने की चेतावनी तक दी गई थी। इनमें पहली सूचना ये थी कि वुहान के लैब में किसी वायरस पर चल रहे रिसर्च में वैज्ञानिक और टेक्नीशियन सावधानी और सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। इसके अलावा ये चेतावनी दी गई थी कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं किए गए तो लैब में SARS जैसी महामारी फैल सकती है। अपनी जांच में इन 2 अमेरिकी राजदूत ने पाया कि लैब में ट्रेंड और पेशावर टेक्नीशियन की भारी कमी है। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने इस चेतावनी को बहुत हल्के में लिया। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझे बिना कोई कार्रवाई नहीं की। हैरानी की बात यह है कि ये जानकारी कोई दूसरे अधिकारी नहीं बल्कि अपने देश के राजदूत दे रहे थे। अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका के ये 2 अधिकारी चीन में मौजूद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की इतनी चिंता क्यों कर रहे थे। दरअसल चीन की इस लैब को अमेरिका से करोड़ों रुपए का फंड मिलता है। इसके अलावा अमेरिका के टेक्सास में मौजूद गैल्वेस्टन नेशनल लेबोरेटरी से रिसर्च को लेकर कई तरह की मदद भेजी जाती रही है। इसी आधार पर वुहान में मौजूद अमेरिका के अधिकारी वुहान की लैब की जांच करने जाते रहते थे। लेकिन दूसरी तरफ चीन ने कोरोना को अपनी गलती कभी नहीं माना, बल्कि इसकी जगह चीन ने वेट मार्केट की थ्योरी को जानबूझकर फैलाया ताकि वुहान की लैब पर लगने वाले आरोप दब जाएं। अमेरिका के पास भी इस बात के पक्के सबूत नहीं है कि वायरस चीन की वुहान लैब से निकलकर पूरी दुनिया में फैला है। इसीलिए जो बाइडेन ने अमेरिकी जांच एजेंसियों को 90 दिन का वक्त दिया है फुल एंड फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए, जिसमें कोरोना की जन्म कुंडली से लेकर चीन की कर्म कुंडली सब कुछ मौजूद रहेगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी YouTube चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।